किसान और मजदूर की जो रोजी रोटी पे हमला है उसका प्रतिरोध करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए लोगों को हम जागृति कर रहे हैं। और 5 अप्रैल को एक अभूतपूर्व कट्ठ जो है दिल्ली में 3 संगठनों की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और सीटू की तरफ से होने जा रहा है, उसके अंदर खेती बाड़ी से संबंधित, रोजगार से संबंधित, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये जो आम समस्याएं हैं जनता की, उसके लिए हम एक विकल्प की नीतियां लोगों के बीच में पेश करना चाहते हैं। और वो विकल्प की नीतियों से ही वर्तमान जो आर्थिक संकट है वो हल हो पाएगा। इसलिए जनाब, आप ये जो अब यहां चलाया हुआ है कैंपेन, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसान और मजदूर की जो रोजी रोटी पे हमला है उसका प्रतिरोध करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए लोगों को हम जागृति कर रहे हैं। और 5 अप्रैल को एक अभूतपूर्व कट्ठ जो है दिल्ली में 3 संगठनों की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और सीटू की तरफ से होने जा रहा है, उसके अंदर खेती बाड़ी से संबंधित, रोजगार से संबंधित, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ये जो आम समस्याएं हैं जनता की, उसके लिए हम एक विकल्प की नीतियां लोगों के बीच में पेश करना चाहते हैं। और वो विकल्प की नीतियों से ही वर्तमान जो आर्थिक संकट है वो हल हो पाएगा। इसलिए हम जनता से कह रहे हैं कि भाई आप अपना संगठित आवाज बुलंद करें। आज तक जिस तरह का संकट देश के ऊपर या राजनीति के ऊपर या समाज के ऊपर आया हुआ है, उसमें अल्टरनेट क्या है, राजनीतिक अल्टरनेट क्या है? एक तो संकट का मुख्य कारण ये है कि ये कॉर्पोरेट परस्त सरकार है। अब तो खुल के आ गई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। हम तो पहले ही आरोप लगाते थे कि ये मोदी जो है, अडानी, इनका कनेक्शन है। अब तो अरबों रुपए के घोटाले सामने आ गए। अब तो इसको मोदानी कहने लगे, मोदी अडानी को मिला के। तो इसका विकल्प ये है कि कॉर्पोरेट परस्ती को छोड़ के और मेहनत कश वर्गों के पक्ष में नीतियां लाई जाएं, ये विकल्प है इसका। आपके हिसाब से आज के दिन, आज की राजनीति में कौन से ऐसे दल है या संगठन है जो किसान मजदूर के हित में सत्ता में आने पर काम कर सकते हैं? हम फिलहाल दलों की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक उदाहरण देना हो तो जैसे मान लो वामपंथी मोर्चे की सरकार है केरल में, जहाँ एक तरफ जगह जगह सब्जियों के भाव, मतलब आलू के और प्याज की पिटाई हो रही है, वहाँ पर 16 सब्जियों के निश्चित कर रखे हैं वामपंथी मोर्चे की सरकार ने दाम। तो जो खपत करने वाला है, खाने वाला, उसको भी ठीक दाम में मिलती है और पैदा करने वाले को भी सही दाम मिलता है। 800 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा धान का मिलता है केरल के अंदर। हम एक विकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर विकल्प जो है वो वर्गों के पक्ष की नीतियां होंगी। उसमें कौन दल आएंगे नहीं आएंगे, इसका अभी सवाल हमारे सामने नहीं है। वो चुनाव के टाइम देखेंगे कहां क्या होता है। वो तो ठीक है, चुनाव के समय से पहले ही अगर हालात, राजनीतिक हालात ऐसे नहीं हुए तो फिर ये फूट का फायदा उठा के फिर यही हो जाएगा। नहीं, बात ये है कि इस फूट से बचने का तो हम प्रचार कर रहे हैं। जब जनता की एकता हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लोग विकल्प अपने निकाल लेते हैं। आज देश में देखो, कोई ऐसा तो है नहीं, बीजेपी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उनका भी तो पूरे देश में प्रभाव नहीं है। और उसके खिलाफ हर प्रदेश में अलग 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 पार्टियां विकल्प के रूप में मौजूद भी हैं। कहीं उनकी एकता भी होगी, कहीं नहीं भी होगी, लेकिन ये जनता को रास्ता तलाश करना है। मेरा कहना यह कि अभी कोई ऐसा स्वरूप उभर के आ रहा है या आने वाला है आपके हिसाब से? एक स्वरूप तो ये संघर्ष का है, ये उभर के जरूर आ रहा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। और किसान आंदोलन भी एक स्वरूप है अपने आप में। आप देखो कि कितनी सफलता से उन्होंने देश में एक भूमिका अदा की और लोकतंत्र को भी बचाया है और कृषि को बचाने के लिए अभी आगे बढ़ रहा है। इसी तरह ये जो किसान मजदूरों के, यही रास्ता खोल के एक नए विकल्प को जन्म देंगे। राहुल गांधी को डेफोमेशन के लिए 2 साल की सजा होगी, उस मामले पे आपकी क्या राय है? बात ये है कि ये डेफोमेशन भी एक ऐसी चीज है जिसको आप तोड़ मरोड़ करके किसी के ऊपर भी कहीं भी लगा दो,
जब मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर पर 150 FIR हो सकती है राजधानी में दिल्ली की, कोई पहली बार हुआ है क्या ऐसा? मतलब तो वो कुछ भी कर सकते हैं मन मर्जी के हिसाब से। आज वो अलग अलग प्रदेश सरकारों को भी जो गैर बीजेपी की है उनको अपने हिसाब से तंग कर रहे हैं, विपक्षियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके ऊपर ईडी के आईबी के सीबीआई के छापे मार रहे हैं। तो ये तो एक तानाशाही की बातें हैं। मतलब उसके कानूनी प्रावधान है, हमें लगता है कांग्रेस पार्टी कानूनी रूप से उस लड़ाई को लड़ेगी। आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने का कोई दोष नहीं इसमें? सवाल ये नहीं है, वो एक अदालत का फैसला है तो उसको हम ये नहीं कह सकते है कि नहीं है। परंतु जब तक अदालत की मतलब खुली हुई है रास्ते तो उनको न्यायपालिका को तय करना है। मैंने तो अभी वो पढ़ा नहीं वहाँ का जो भी था मतलब। यहाँ आखिरी आप लेकिन राजनीति प्रतिशोध की हो रही है ये तो चौड़ा पड़ी दिख रही है। इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कम से कम हरियाणा की जनता के बारे में आप बताएं। हरियाणा की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज जो यहाँ पर बदहाली है, लाकानूनी है, गुंडागर्दी है, नशाखोरी है, कृषि की बर्बादी है, रोजगार मजदूरों के सामने नहीं है, तो उनको इकट्ठे होके अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है और एक हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इनकी ये जो कुशासन है इसके ऊपर अंकुश लग सके, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपका भी बहुत किसान सभा की तरफ से सीटू जो मजदूरों का संगठन है और खेत मजदूर यूनियन, ये ज्वाइंट पूरे देश में अभियान चला रखा है और हरियाणा में भी 6 जत्थे पूरे हरियाणा के अलग अलग गांव में जा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। मुद्दे ये है कि आज किसान मजदूर बहुत संकट में है, वो संकट रोजी रोटी का भी है और केंद्र सरकार जो है वो लगातार हमारे मजदूरों के ऊपर खर्च होने वाला बजट से मनरेगा का वो लगातार कम कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर कम कर दिया बजट, किसानों की खाद सब्सिडी और दूसरी चीजों पर बजट कम किया जा रहा है, खाद्य पदार्थों के लिए जो जल वितरण प्रणाली है उस पर बजट कम कर दिया और शिक्षा स्वास्थ्य पर लगातार हमला कर रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, खेती का संकट इतना भयंकर हो गया, लगातार लागत बढ़ रही है खेती की और लाभकारी नाम मिल नहीं रहा किसान को, और ये जो प्राकृतिक आपदा है इसने तो किसान को तहस नहस करके रख दिया। पहले सर्दी में हमारी सरसों मारी गई इस इलाके में थोड़ी सरसों, उस आंदोलन की कामयाबी हुई क्योंकि किसानों के साथ मजदूरों ने भी उसका समर्थन किया। तो इस जत्थे के यहाँ पहुंचने पर हमारे पूर्व सरपंच जी दलाल साहब उन्होंने स्वागत किया, मैं पूरे जत्थे की तरफ से आपका और गांव का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि इतनी अच्छी जगह ये जो गांव ने बना रखी है इस तरह की मीटिंगें करने के लिए, अपने हालात पर चर्चा करने के लिए हमारी बहनें भी आके बैठी है यहाँ पर, किसान मजदूर भी बैठे, नौजवान साथी है। तो लोकतंत्र का यही एक तरीका है और ये पहली बार है कि इस तरह का जत्था इकट्ठा चल रहा भाई। अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।